नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चूरू में अधिवक्ताओं का विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। शनिवार को पीड़ित अधिवक्ता ईमन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि मुझे बार एसोसिएशन से निलंबित किया है वह कानून विरुद्ध है, फिर भी मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का निर्णय का सम्मान करता हूँ, परंतु एक पक्षीय सुनवाई का निर्णय लिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है और पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन को अधिवक्ता सुशील शर्मा अपने रिश्तेदार के पक्ष में कर हड़पना चाहते हैं। मैंने इसका न्यायालय में विरोध किया तो सुशील शर्मा और उनके बेटे आनंद शर्मा अग्रसित होकर मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने उनके बेटे आनंद शर्मा का होठ चबाया। यह आरोप गलत व मनगढ़ंत तथा मामले को रंग देने वाला है। उन्होंने आनंद शर्मा द्वारा मुँह पर मुक्का मारने से आई हुई सूजन भी दिखाई। हमारे कार्यकाल में हमें कोई 5 साल हो गए, कोई ऐसी घटना मतलब वकीलों में आपस में नहीं हुई है, वकीलों में बाबू में या पेशकार में आपस में कोई इस तरह की घटना थोड़ी बहुत हुई है तो उनका वहीपर हो गया, कोई मुकदमेबाजी या कुछ नहीं हुआ है। जानकी दास गांधी यहाँ पर सेशन कोर्ट में रणवीर सिंह वकील था, उसने थप्पड़ मार दिया 2.5 वर्ष के बैठे हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उसने की ना उन्होंने, मैं बाहर में कोई गया अपने आप ही मतलब फैसला या इस तरह से। बाकी बातें जैसे लोकसभा में या विधानसभा में होते हैं तो वो अंदर वाले फैसला देते हैं, नहीं कि कोई कोर्ट में जाता है वो फैसला बैठा के तो दे देते हैं दोनों पार्टियों के बीच में सुन करके, कोई बात मानी जाती है। हमारे सामने ऐसा मतलब कोई केस आया नहीं, दूसरों के केस लड़ते हैं मतलब वकीलों के केस हम लड़ते हैं कि उनका राजीनामा ही करते हैं। दोनों पक्षों ने दोषी अनुपस्थित थे, उन्होंने 12 अध्यक्ष को एक आवेदन दिया कि मैं शायद से 12 अनुपस्थित रहूँगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को दरकिनार करते हुए उन्होंने मीटिंग आउट की और उस मीटिंग में सुशील शर्मा ने अपना पक्ष रखा। उसके तुरंत बाद ही सावरमल शर्मा जो कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में महिमन शर्मा भी बैठे थे, अचानक सुशील शर्मा और उनका पुत्र आनंद शर्मा अदृश्य होकर आए और महिमन को बुलाया, बुला करके उनके मुक्के की मारी और उनको नीचे गिरा। ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, उनकी बात को भी नहीं मान लेने पर अध्यक्ष ने खबर किया कि पीछे कार्रवाई करता हुए महिमन के खिलाफ में सस्पेंशन का ऑर्डर किया, तो गलत था। जबकि उनको सुना कि उसके बाद में उस घटना की तारीख एडवोकेट गणेश जी एडवोकेट थे, उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं कोर्ट परिसर में था और बाहर में जो चार्ज सुशील शर्मा ने लगाए हैं वो कोई बात ही नहीं होती। इन बातों को जिस मीटिंग में 10 जुलाई को हुए झगड़े के संबंध में चर्चा की जा रही थी, मीटिंग जैसे ही शुरू हुई अध्यक्ष महोदय ने औपचारिक उद्बोधन के बाद में कहा कि सुशील कुमार शर्मा अपना पक्ष रखें। सुशील जी ने खड़े होकर के वही झूठी कहानी कि मैं पार्किंग में था, मेरी गाड़ी में बैठ रहा था, महिमन घात लगाए बैठा था, मेरे ऊपर हमला कर दिया, कही ये घटना मेरे चैम्बर की है, महिमन मेरे चैम्बर में बैठा था, आनंद शर्मा बोलता हुआ एग्रेसिव होकर के आया, उसने महिमन के मुँह पे मुक्का मारा, उसके बाद झगड़े की शुरुआत हुई, मैंने उनको पार्किंग कर दी। निष्पक्ष गवाह जिसने सारी स्थिति पार्किंग मीटिंग में रख दी और उसके बाद में सुशील कुमार जी शर्मा ने सावरमल जी स्वामी द्वारा कहे गए कथन का कोई प्रतिरोध या विरोध या खंडन नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। अभिभाषक संघ की मीटिंग में उपस्थित अन्य लोगों ने भी सावरमल स्वामी की बात का खंडन नहीं किया,
एग्रेसिव होकर झगड़े की शुरुआत आनंद शर्मा ने की और आनंद शर्मा और सुशील शर्मा ने मिलकर मेरे साथ पार्टी की। लेकिन उस सारी स्थिति सामने आ जाने के बावजूद स्वार के द्वारा जो खबरें मीडिया में दी गई कि बेहतर जोशी को 7 दिन के लिए निलंबित किया जाता है, ये किया जाता है, ये मुक्त है, मीटिंग की सूचना 10:30 बजे व्हाट्सएप से मिली, मैंने जवाब दिया। उसके बाद में मैंने उनको लिखित में अवगत करवा दिया कि जब सारी वस्तु स्थिति सामर्थ स्वामी के कहने के बाद स्पष्ट हो गई कि झगड़ा किसने किया, इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय को और अभिभाषक संघ के संरक्षक श्री वीरेंद्र सिंह की जो लिखित में प्रार्थना पत्र किया है, उस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता करने स्पष्ट लिखा है कि जब 15 तारीख की मीटिंग में एक निष्पक्ष पक्ष सावरवंदी स्वामी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहते हुए पूरी बात को अवगत करवा दिया कि महिला दोषियों के चैम्बर में बैठा था आनंद शर्मा दौड़ता हुआ आया उसने मार्ग की शुरुआत की, उसके बावजूद भाई महिला के खिलाफ की गई है वो पूर्ण तत्व भावनापूर्ण है और पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए की जा रही है, इसलिए तकी जाकर सुशील कुमार शर्मा और आनंद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये सारी बातें विस्तार से आप पत्रकार बंधुओं के समक्ष रखनी आवश्यक थी। तो आपके वकील साहब भी आरोप है कि आपने आनंद शर्मा का होड़ चबाया है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैं सावरवंदी स्वामी के चैम्बर से निकला, आनंद शर्मा ने मेरी गर्दन को अपने बाहर में जकड़ दिया, सुशील कुमार जी ने मार पीट शुरू कर दी, दोनों ने मेरा गला घोंट के नीचे जमीन पर पटक लिया, चोट से उनका होंठ कटा है। अगर मैं होंठ काटता तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य